नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों पर एक वीडियो जारी किया जिसमें उनकी मजबूरी और सरकार की नजरअंदाजगी पर बात की गई। राहुल ने हरियाणा से आए इन मजदूरों से दिल्ली में बात की और इनके झांसी जाने की व्यवस्था कर दी। अब राहुल गांधी के इस वीडियो पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी और बीएसपी इसे राहुल की गंदी राजनीति बता रही है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का ये वीडियो कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है या सरकार की असफलता की सही तस्वीर, ये जानने के लिए एक चर्चा हम करेंगे जिसमें कई गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे जल्दी से करा देते हैं। हमारे साथ हैं गौरव चौहान, बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है गौरव जी। साथ ही हैं शबाना खंडेलवाल, आप उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं। शबाना जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विनोद भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले गौरव जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, राहुल गांधी का ये जो वीडियो है, जिस डॉक्यूमेंट्री उन्होंने जो आज एयर की है, आपने देखी है, ये कैसी लगी आपको ये वीडियो? जी अनु जी, मैंने बिल्कुल देखा और देखने के बाद दोबारा से मैं वही कहूंगा कि काफी हास्यास्पद लगता है जब एक राष्ट्रीय पार्टी का मतलब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके से जब केवल राजनीति को कहते हैं, राजनीतिक हाईलाइट में आने के लिए कुछ ऐसे पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, तो मुझे लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट से कुछ और ज्यादा नहीं है, क्योंकि पूरी देश की जनता जानती है कि देश की सरकारें, देश की केंद्र सरकार पूर्णतः प्रयास कर रही है कि इन श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान पर स्वस्थ एवं सुरक्षित पहुंचाया जाए। इस शब्द से बड़ी आपत्ति है, आपने कहा ये हास्यास्पद लगता है और शबाना जी इस पर हंस भी रही हैं, जबकि मुझे ये वीडियो देखकर बहुत बुरा लगा। और मैं आपको वाकई बताऊं, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज थी इस पूरे वीडियो को देखते हुए, क्योंकि जो दर्द उन मजदूरों का था, अगर राहुल गांधी को भी आप किनारे रख दें तो उन मजदूरों का दर्द क्या आपने देखा, उनकी मजबूरी आपने देखी? शबाना जी आप इस पर कहिए। ये इन्होंने कहा कि इनको ये ऐसी चीज लगती है कि राहुल जी का एक डोंग है या ड्रामा है। जब मोदी जी मजदूरों के पैर धोते हैं, सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं, वो उनका दर्द था, वो दिखावा नहीं था। और राहुल जी की मतलब प्रिंस कहे जाने वाले कांग्रेस के एक युवराज अगर वो गर्द बट रहे हैं तो इनको हंसी आ रही है, क्योंकि इन्हें ये मजाक लग रहा है, उनका दर्द नजर नहीं आ रहा। मोदी जी अपने आप को कहते हैं कि मैं गरीबी से उठा हूँ, मैं एक चाय वाला हूँ, मगर कभी मोदी जी के किसी भी मंत्री ने ये पहल की, उनका दर्द जानने की कोशिश की? जब खुद करते हैं तो वो सच्चाई है। मोदी जी साफ सुथरी सड़कों को झाड़ू लगाते हैं। शबाना जी, शबाना जी आप पर ये भी आरोप है कि आज आप लोगों के इस दुख को दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मायावती ने कहा कि इस दुख का कारण भी आप ही हैं, इतने सालों से राजनीति, इतने सालों से जो देश पर राज किया है वो कांग्रेस ने किया, तो इन मजदूरों की ये जो हालत है ये उन्हीं की बदौलत है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, वाकई क्या ये राजनीति से प्रेरित है या फिर ये वही तस्वीर है जो आज सड़कों पर है? और हालांकि यही तस्वीर मीडिया लगातार दिखा रहा है, तो आखिर इसे राजनीतिक मंच देने की क्या जरूरत है? क्यों राहुल गांधी को अपने नजरिए से, अपने तरीके से इस वीडियो को, इन दर्द को, इन मजदूरों के जो समस्या है उसे पेश करने की जरूरत है? देखिए, कोरोना वाले मामले में और ये मजदूरों का जो चल रहा है इतने दिन से लगातार मीडिया पर भी हाईलाइट हो रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इसे कैश करना चाह रही है, मतलब कोई भी पीछे नहीं है इसको कैश करने में। जहां तक राहुल गांधी के वीडियो की बात है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो 3-4 दिन से लगातार चल रहा था जिसमें यह भी था, कुछ लोगों को उन्होंने पहले सैनिटाइज कराया, उन्हें गाड़ी से भेजा, फिर गाड़ी से बुलाया, फिर उसके बाद उन लोगों से सड़क पर बैठ के बात करी। हो सकता है सही हो, क्योंकि समस्या यह है कि आज का जो दौर है, जो हाई टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या असलिया क्या फर्जी है कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि मजदूरों का दर्द है, लोगों की समस्या है, सड़क पर जो भी लोग जा रहे हैं वो मजदूर है या जो कोई भी है, मजबूरी में ही जा रहे हैं, जैसे लॉकडाउन में निकल रहे हैं, अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनका अपना दर्द है।
राहुल जी ने उस दर्द को वो सामने लेके आए हैं। पीछे मंशा क्या है ये सब लोग जानते हैं कि निश्चित रूप से ये पॉलिटिक्स है। जो भी विरोध पक्ष में होता है वो इस पॉलिटिक्स को करता है, कोई भी पार्टी रही हो। वो जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो महंगाई के मुद्दे पे सिलेंडर लेके सड़क पे बैठ जाया करते हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि जो इस समय वैश्विक आपदा है, वैश्विक आपदा के दौर में भी यदि हम सिर्फ पूरी पॉलिटिक्स करें, या तो हम उनके कुछ भले के लिए करें, पूरी तरह से सहयोग करें जैसे भी संभव हो, तो उनके दर्द को बांटें, उनका दर्द कम करें, तो एक बढ़िया बात है। लेकिन यदि हम सिर्फ राजनीति के लिए ये काम कर रहे हैं तो फिर हास्यास्पद कहें जो भी कहें, लेकिन हर कोई मौका बना रहा है। और सवाल दोनों से ही है, यहाँ पक्ष से भी है, विपक्ष से भी है, सरकार से है कि समय रहते आखिर इनके जाने के प्रबंध क्यों नहीं किए गए। विपक्ष से सवाल ये है कि आप कुछ लोगों को अगर दिल्ली से झांसी भेज देते हैं, आप ही के सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, ऐसे कई राज्य हैं वहां पर भी मजदूर हैं, वहां पर भी गरीब लोग हैं जो कि सड़कों पर चल रहे हैं, आखिर उनको उनके इलाके तक, बॉर्डर तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा। गौरव जी आप इस पर क्या कहेंगे, कांग्रेस के शासित कई राज्य हैं जहां पर पलायन हो रहा है, तो आखिर ये जो सुविधा झांसी जा रहे लोगों को दिल्ली में राहुल गांधी ने दी, अपने क्षेत्रीय सरकारों में जाकर, अपने राज्य की सरकारों में जाकर आखिर क्यों इस तरह के अपील क्यों नहीं की जाती सरकार से। अनु जी आपका सवाल जो है काफी महत्वपूर्ण है, पर उससे पहले मैं आपकी पिछली बात का जवाब मैं दे देता हूँ। जैसे मेरी बात को लिया था कि काफी वाकई में मजदूरों की स्थिति भयावह है। जो मैंने हास्यास्पद कहा था वो केवल राहुल गांधी जी के पक्ष में कहा था कि उनको इस तरह की राजनीति जो वो कर रहे हैं, उनके बचपना है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। और जैसा शबाना जी कह रही थी वो युवराज है, प्रिंस है, भैया ठीक है हम तो सेवक ही है, हमारा नेता सेवक है, वो मजदूरों को पैर भी धोता है, उनकी सेवा भी करता है, ठीक है उसको साइड में रखते। दूसरी चीज जो आपने अभी सवाल पूछा उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, इनको राजनीति करने से फुर्सत हो तो अपने शासित राज्यों में ये लोग किसी तरह की सेवा प्रदान करें, क्योंकि इनको पता है कि भाजपा शासित प्रदेश में इनकी राजनीति चमक सकती है, दो दिन मीडिया में इनकी हेडलाइन चल सकती है, ये दिल्ली में आकर आम आदमी पार्टी की अगर इनको सरकार है तो वहां पर जाकर ये नंबर बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं ये आदित्य योगी नाथ जी जो हमारे योगी नाथ है उनके विपक्ष में ये लोग वीडियोस बनाते हैं। अभी इन्होंने इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा राहुल जी अगर आप वाकई में किसी की मदद करना चाहते थे तो मुझे लगता नहीं कि आपको वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। आप उनको सैनिटाइज करके लेकर आ रहे कि भैया आपको कुछ ना हो जाए। यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात पूरे 60 दिनों से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी श्रमिक का पेट खाली ना रह जाए, कोई श्रमिक परेशान ना हो, लोगों को रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जहां ये बात लगातार कही जा रही है कि आखिर मजदूरों की जो पलायन की समस्या है उसे दोनों ही पक्ष समझें और दोनों ही राज्य में, चाहे वो बीजेपी शासित हो या फिर कांग्रेस शासित हो, सभी जगह हालात ऐसे हैं। अब राहुल गांधी आखिर किस तरह के सुझाव या फिर ये जो पूरी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसमें विपक्ष की, कांग्रेस की क्या भूमिका है, आप जरा बताइए आपकी तरफ से क्या मत है कि क्या भूमिका कांग्रेस की रहेगी, क्या स्टैंड रहेगा, क्या आप सरकार के साथ हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं। सरकार हमारा साथ चाहती का है, हमने बसों के मामले में जब सरकार का साथ देना चाहा तो सरकार को वो भी नागवार था, उन्होंने उसमें भी कमियां निकाल दी कि मोटरसाइकिल है, टेम्पो है। अभी जैसे गौरव जी ने कहा कि राहुल जी में बचपना है, राहुल जी में बचपना नहीं है, उनमें दर्द है, वो इनोसेंट है, मासूम है, आपके नेता की तरह श्रूर और चालाक नहीं है, कोई भी बिना मकसद काम नहीं करता आपका लीडर, मगर राहुल जी दिल से मासूम है। इसी चैनल पे अगर आप देश के प्रधानमंत्री को चालाक बता रहे हैं और उसके बाद अपने नेता को युवराज बता रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, इस पर आपको अपने शब्द वापस लेने होंगे। अनु जी अगर अभी शबाना जी अपने शब्द वापस लेंगी तो ये डिबेट आगे होगी, अदरवाइज देखिए मैं ये डिबेट आगे नहीं करूंगा। मैं चाहूंगी कि आप नेताओं की जगह आप मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं, आप दोनों ही पक्ष ये बताएं मजदूरों के लिए, जो लोग जिन लोगों का कोई सहारा इस वक्त नहीं है, जो गरीब हैं, जो सबसे ज्यादा इस वक्त अफेक्टेड हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं इस पर। अनु जी अभी तक 250 श्रमिक स्पेशल चलाई गई है, बसों से देश में बनती है तो विपक्ष की क्या भूमिका रहती है,
एक तरफ राहुल गांधी बुद्धिजीवियों से बात कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति क्या है, कैसे निकलना होगा इससे, क्या ये सही तरीका है एक विपक्ष की भूमिका इस समय पर अदा करने का, या फिर कोई और तरीका होना चाहिए था? क्योंकि बीजेपी सरकार इस वक्त इसे एक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रही है, तो आप बताइए सही तरीका क्या है विपक्ष का इस बार भागीदारी निभाने का? देखिए, विपक्ष चाहता है मदद करना, हमने पहले भी कहा जिसे कि ये जवाब चाहूंगी, मिलकर सबको लड़ना है, मिलकर काम करना है, हमें कमियां नहीं निकालनी है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 47 लाख जी विनोद जी बोलिए, इस समय देश की जरूरत तो यही है कि सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये राजनीति को छोड़ के ईमानदारी के साथ जो पीड़ित हैं उनकी समस्या को ठीक कराने में, सरकार को मदद करने में, और जो कोरोना की समस्या जो पूरी दुनिया में है जिससे भारत भी जूझ रहा है, तो इस समस्या से निपट के हम कैसे बाहर आ सकते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या वो बीमारी का मुद्दा हो, तो इन पर विषय विशेषज्ञों के साथ में सब लोगों की संयुक्त रूप से बातचीत हो और किसी नतीजे पर पहुंचे। राजनीति करना बंद करें। बहुत बढ़िया बात है कि राहुल जी हो या और कोई राजनीतिक पार्टी के और कोई नेता हो, वो यद पीड़ितों से मिलते हैं, उनका दर्द बांटते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो दो चीजें हैं जो निकल के आई, अभी आपने भी कहा हमारे बीजेपी के दिल्ली के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा, जो जहां प्रदेशों में आपकी सरकार है वहां आपकी सरकारों ने क्या किया, आपने उनको क्या डायरेक्शन दिए, आपने आप कितना सफल रहे उसमें, आप पहले ये तो देखिए, आपने सारे मजदूर वहां से क्या निकाल दिए, सारे मजदूरों की समस्याएं खत्म कर दी, क्या उस प्रदेश की समस्याएं आपने खत्म कर दी जो आप दूसरे प्रदेशों में कूद रहे हैं? तो ये यही वाली जो चीजें हैं, इसी पे कहने का मौका मिलता है हर किसी को कि भाई आप ईमानदारी से मदद करना चाहते हो, जहां आप कर सकते हैं अपने प्रदेशों में, जहां आपकी सरकार है वहां तो सब कुछ कर सकते हैं ना आप, तो पूरी ताकत वहां लगाइए ना। ठीक, शबाना जी कहिए। हम हर जगह मदद कर रहे हैं, हर जगह जहां भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे लीडर हैं उनको ये निर्देश है कि आपको जो पैदल चल रहे मजदूर हैं, जो भूख से प्यास से मर रहे मजदूर हैं, उनको घर तक पहुंचाना है, उनकी मदद करनी है। मगर अफसोस ये है कि यहाँ क्षेत्रों में बांटा जा रहा है, इलाकों में बांटा जा रहा है। जैसे मैंने अभी जवाब दिया था, हम कहीं भी मदद करना चाहें, हमें अगर लगता है कि कहीं कोई मुश्किल में है तो हमें मदद करनी है, ये हमारे राहुल गांधी जी की सोच है, ये हमारी सोनिया राहुल गांधी ने जो इस पूरे वीडियो में मदद अपनी दिखाई है, क्या उन्होंने की है वो भी हमने देख ली। लेकिन गौरव जी ये बताइए कि ये जो पूरा वीडियो है जो राहुल गांधी ने आज एयर किया है, उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो ये कि जो मजदूर हैं वो ना तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने उनके खिलाफ क्या किया है, ना इतना गुस्सा उनका सरकार पर है और ना ही विपक्ष से कोई मांग है। उनका बस ये कहना है कि हमें हमारे गांव पहुंचा दीजिए, हमें किसी से और कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो अभी स्थिति है शहरों से उनका मन उठ गया है, आखिर इसकी भरपाई कैसे करेंगे? ये मजदूर तो राजनीति नहीं कर रहे, आप इनके लिए क्या करेंगे फिर? जी बिल्कुल, मजदूर जो है वो इस समय मजबूर है। बिल्कुल, देखिए पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, देश की सभी तो केंद्र सरकार और देश की सभी राज्य सरकारें पूरी कोशिश कर रही है, जिस भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ट्रेन मांगी, श्रमिक स्पेशल मांगी, केंद्र सरकार ने वह दी, बहुत से लोग अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचे, बहुत सारे मजदूर देखिए ऐसे हैं जहां पर अवेयरनेस की कमी हम लोगों को देखने के लिए मिली, वहां पर हम लोग किस तरह से उनको अवेयर करें। शबाना जी बीच में मत बोलिए, देखिए आप लिटरली बहुत गलत बोलते हैं, आप अपने शब्दों को एक तो थोड़ा संभाल कर बोलिए। मुझे देखिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपके साथ डिबेट करना, क्योंकि आप अपने शब्दों को आपने कुत्ता शेर पता क्या कुछ कहा, कम से कम बात तो रखने दीजिए। आपकी बात में हम नहीं बोले शबाना जी, आपकी बात में मैं नहीं बोला था शबाना जी, आपकी बात में मैं नहीं बोला था, और आपको सवाल पूछने का हक मुझसे नहीं है, मुझसे एक चैनल का एंकर पूछ सकता है।
नहीं नहीं देखिए शबाना जी, आप पहले अपने जो आपने जो आपत्तिजनक टिप्पणी इसी चैनल के माध्यम से भी थोड़ी देर पहले कुत्ता और शेर वाली की, या तो उसके शब्द वापस लीजिए, अन्यथा मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूँ। नहीं 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 आप छोड़िए ना, मुझे जवाब देने दीजिए शबाना जी। जिन लोगों को मदद की जरूरत है वो आपकी बात सुनना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है हमारे लिए, तो आप अनु जी मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए अगर मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो मैं कैसे अपनी बात रख पाऊंगा। देखिए मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मजदूरों में अवेयरनेस की कमी बहुत जगह देखने को मिली, हमारे सामने चैलेंज आया कि वहां पर अवेयरनेस कैसे लाया जाए, लोगों को और मजदूरों को किस तरह बताया जाए कि आप लोगों के टिकट रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, किस समय आपको जाना है, कौन लेकर जाएगा, कौन सी बसों की व्यवस्था की जा रही है स्टेशन तक जाने के लिए, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, उस चैलेंज को हम लोग पूरा कर ही रहे थे कि देखा कि काफी संख्या में मजदूर और जो है अपने पलायन पर निकल चुके थे। निश्चित तौर पर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा इग्नोर करके केवल मजदूरों पर इस वीडियो के उन पर ध्यान देते हुए कहूंगा, वाकई में भयावह स्थिति है। हम लोगों को जैसा विनोद जी कह रहे थे इस समय राजनीति ना देखते हुए केवल मजदूरों के दर्द पर हम लोगों को काम करना है कि उन लोगों को किसी भी तरीके की आगे परेशानी ना हो। अब तक जो हुआ उस पर विपक्ष पक्ष कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कर सकते थे जितना कर सकते थे, श्रमिक स्पेशल चलाई गई, छात्रों को बसों से बुलाया गया, जो श्रमिक थे उनको बसों से भेजने का काम भी किया गया, परंतु आगे हम लोगों को इसी चीज का ध्यान रखना है कि उनको ज्यादा समस्या ना हो, राजनीति में किसी भी तरीके की ना पड़े, केवल केवल सेवा भाव से बिना किसी युवराज महाराज और राजा के हम लोग अगर सेवक बन के काम करना चाहें तो ये काम हो सकता है। विनोद जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, नहीं अनु जी आप मेरे को टिप्पणी के बारे में बोल रहे, क्षमा चाहूंगा अनु जी, आपने मुझे टिप्पणी के बारे में बोला, आपने शबाना जी को क्यों नहीं रोका की है, क्या राहुल गांधी इन तस्वीरों से या फिर इस तरह की पूरी स्टोरी से बच सकते थे, क्योंकि यही तस्वीरें सभी जगह हैं, पूरा मीडिया यही दिखा रहा है और अलग अलग जगहों से ढूंढकर ऐसी तस्वीरें और ऐसी कहानियां लाई जा रही हैं, क्या इससे अच्छा ये ना होता कि राहुल गांधी किस तरह से वो अपने स्तर पर, कांग्रेस अपने स्तर पर कैसे लोगों की मदद कर रही है, अपने क्षेत्रों में किस तरह की योजनाएं चला रही है, क्या आगे किया जा सकता है भविष्य में, इस पर कुछ तैयार करते, इस पर लोगों को जानकारी देते। देखिए आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि यदि अपने स्तर पर प्रयास करते तो उसका एक बहुत अच्छा सकारात्मक संदेश जाता, लेकिन वीडियो बनाना या कुछ लोगों को किसी उनके गंतव्य तक भेज देना इस समस्या का हल नहीं है। भाई समस्या तो ये बहुत बड़ी है और बहुत व्यापक है, तो हमें व्यापक परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें देखनी होंगी और किसी एक जगह से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं इनके पास में, तो इन्हें एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ में बिना राजनीति किए हुए, और जो इस समय एक जुमला चल रहा है कि आपदा को अवसर में बदलने वाली बात, तो मैंने ये देखा है कि हर कोई अब आपदा को अवसर में बदलने पर ही आमादा है। तो मेरा कहना यह है कि बजाय नकारात्मकता की ओर जाए हुए आपदा को अवसर में बदलिए, लेकिन सकारात्मक प्रयास करते हुए। जो आपकी ये बात है बहुत गहरी है विनोद जी, कि लोगों ने इस आपदा को वाकई अवसर में बदल दिया है। जी जी जी, तो मेरा कहना यही है कि नहीं, आपदा को अवसर में बदलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सकारात्मक रह के बदलिए। और इस समय देश बहुत मुसीबत में है, ये दुनिया बहुत मुसीबत में है, इसे राजनीति की नहीं आपकी मदद की जरूरत है, और आप मदद करने में सब सक्षम है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हर तरह से सक्षम है, उनके पास कार्यकर्ताओं की भी फौज है, उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो या भाजपा हो। और इसी वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर ये बातें भी अब की जा रही हैं कि राहुल गांधी जब बात कर रहे थे इन मजदूरों से, उस समय जो जूते उन्होंने पहने हुए थे उनका क्या दाम था, इसे लेकर हालांकि बात कर रही है, लेकिन ये भटकाने वाले विषय हैं, इन पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन शबाना जी ये बताइए कि जब ये वीडियो आया उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ये सोल्यूशन नहीं बल्कि पोल्यूशन है, मायावती कह रही है कि ये जो स्थिति है ये कांग्रेस की ही देन है, और अब कांग्रेस इसी पर ही आंसू बहा रही है। देखिए जैसा कि लोग अभी जो बोल रहे हैं,
अगर वही काम राहुल जी मोदी जी लोकल से वोकल होने की बात करते हैं, चाइना से 3,000 करोड़ की पटेल जी की मूर्ति लगवाते हैं तब लोकल से वोकल नहीं होते, वो महंगे चश्मे लगाते हैं, BMW में घूमते हैं तब लोकल से वोकल की। राहुल जी तो खानदानी रही से, वो किसी गरीब परिवार से नहीं। अगर उनके महंगे जूते, वो सड़क साफ जूते कभी नहीं पहने उन्होंने, अगर वो पहने तो उसमें तो निगाहें जा रही है। मोदी जी किसी गुफा में जाके पूजा करते हैं, उसका वीडियो गोदी मीडिया बनाता है। अगर मोदी जी अपनी माँ को हाथ से निवाला खिलाते हैं, वोट डालने आते हैं, उसका वीडियो बनता है। राहुल जी ने अगर किसी गरीब का दर्द बांट लिया, बहुत तो अच्छी है शायद। मायावती जी के पेट में दर्द हो गया, मायावती जी तब से सो रही थी, वो तो नोटों की मालाएं पहनती है, माया की बेटी है, माया की देवी है। अब उन्हें उन्होंने कितने लोगों की मदद की, वो तो अब कैसे बाहर आके राहुल जी पे उंगली उठा रही है। वो पहले खुद बताए ना कि माया की बेटी ने कितना लोगों का भला किया है। राहुल जी पे उंगली उठाना, राहुल जी का वीडियो जारी करने का मकसद ये है कि लोगों में कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है। मगर उससे ज्यादा पीड़ा तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को हो रही है। वो तमाम इल्जाम लगाने पे उन्होंने ये नहीं देखा कि हम सबको मिलके काम करना है। ये राष्ट्रीय आपदा है, हम भी मानते हैं, हम सबको मिलके काम करना है, मगर इस तरह से तंज करके नहीं होगा। चलिए मैं अगर मायावती पर ही आगे बढ़ना चाहूं, उन्होंने जो कमेंट किया है राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, विनोद जी मायावती कह रही हैं कि देश में जो स्थिति है वो कांग्रेस की ही बदौलत है, लेकिन खुद मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कई बार रह चुकी हैं और जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो तो उत्तर प्रदेश से निकलकर ही बाकी राज्यों में गए हैं, तो क्या इन सभी नेताओं को सबसे पहले अपने गिरेबा में नहीं झांकना चाहिए? देखिए, अब इस बारे में मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, हो सकता है कि वो राजनीतिक दलों को नारेबाजी पूछ रहे हैं जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राजनीति की लंका है इसमें सब 52 गज के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई किसी से कुछ कहने के लायक नहीं है। बिल्कुल सही, जो जब सत्ता में होता है तब वो वही काम करता है जिनका वो दूसरों से विरोध करता आया है जी। तो ये हम अब से नहीं देख रहे, ये शुरू से देख रहे हैं और तमाम केंद्र में भी देखा है, तमाम प्रांतों में भी देखा है कि जो लोग जब विरोधी दल में होते हैं और सरकार को कोसते हैं, तंज करते हैं और सड़क पर उतर के आते हैं, खुद सत्ता में आने के वक्त वही लोग वही काम करते हैं जी। और फिर जो सरकार उस समय विरोध में जो राजनीतिक पार्टी होती है वो उनके वाले काम करती है, तो सब लौट फिर के सब उसी जगह आ जाते हैं जी। और सबकी कथनी करनी जो कुछ भी है वो जनता सब जानती है, सारी राजनीतिक पार्टियों को देखा जा चुका है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं कि ये जो मौका है ये राजनीति करने का नहीं है। देखिए, राजनीति आपने हमेशा की है और आगे भविष्य में आपके पास पूरा जीवन पड़ा राजनीति करने के लिए। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो मौका है, ऐसा मतलब हम लोगों ने अपने जीवन में मेरे ख्याल से जो लोग 70, 80, 90 साल की उम्र तक के हैं उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी आपदा नहीं देखी है, कभी इस बारे में सोचा भी नहीं गया कि एक वायरस से डर के हमें छुप के घर में बैठना पड़ेगा। जो लोग सड़क पे होंगे वो कब कहां इन्फेक्टेड हो जाएगा, कब कौन मौत के मुंह में चला जाएगा, सरकार को सारा मतलब लॉकडाउन इस हद तक करना पड़ेगा और बार बार बढ़ाना पड़ेगा, तो पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, सरकार इतनी पंगु हो जाए, तो ये अपने आप में एक ऐसी विडंबना है जिसे लोगों को समझना चाहिए और राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय सत्ता में जो कोई भी होता वो बेहतर प्रयास करता, सवाल इस बात का नहीं है कि मोदी जी बेहतर कर रहे हैं या राहुल जी होते तो वो बेहतर करते, सोनिया जी बेहतर करती या मायावती जी बेहतर करती, जो सरकार सत्ता में है उनकी जो जिम्मेदारी है इस समय वो अपनी समस्या उस काम को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें यह मान लेना चाहिए। और उसमें जो मदद हो सकती है उनकी, आपके जो सुझाव हो सकते हैं सुझाव दीजिए भाई। आप दिल्ली के स्तर पर सेंट्रल लेवल के लोग, टॉप लेवल के लोग आपस में क्यों नहीं बात करते हैं, क्यों आपका ही हर्ट होता है? आपस में पर्सनल कैपेसिटी में ही बात कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आगे बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा और समस्या के लिए एक समाधान के लिए एक मंच बनेगा, वो इस देश के लिए ज्यादा जरूरी है और ज्यादा फायदेमंद। बिल्कुल गौरव जी, इसी तरह के सुझाव अगर राहुल गांधी, कांग्रेस के अन्य नेता या फिर बाकी पार्टियों के अगर नेता देते हैं तो क्या जो सरकार है, मोदी सरकार है, क्या उन सुझावों पर विचार करती है या करेगी? उन्होंने कहा था कि साहूकार की भूमिका ना निभाए सरकार, जबकि गरीबों के जेब में पैसा देना चाहिए, या फिर आप न्याय योजना को एक डेमो के तौर पर उतार सकते हैं, तो ये सुझाव है जो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी दे रही है, तो उन सुझावों पर आप क्या काम कर रहे हैं?
देखिए, इस वैश्विक आपदा के समय, वैश्विक महामारी के समय कहीं से भी किसी भी तरीके का सुझाव मदद अगर मिलती है तो सभी सरकारें उस पर काम करती हैं कि किस तरह से सुझावों को लिया जाए या उन पर काम किया जाए। परंतु जैसा विनोद जी ने कहा, जिंदगी पड़ी है राजनीति करने के लिए, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ। परंतु देखिए अनुज जी, जब व्यक्तिगत टिप्पणियां किसी डिबेट पे शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद ना मुद्दों से भटकाने वाली बात हो जाती है। हम लोग यहाँ पर एक बड़े संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम देश की राजधानी में बैठे प्रधानमंत्री जी जब वो सुबह शाम केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, किस तरह से अपनी इस वैश्विक महामारी से अपने देश को बचाया जाए, उस समय पर ठीक है, मेरे जैसे पता नहीं कितने प्रवक्ता और है हमारी पार्टी में, सभी मेहनत करते हैं, सभी अपनी पार्टी का पक्ष लगाकर टीवी पर रखते हैं, परंतु इस समय सभी को एक चीज क्लियर बोल दिया गया है और अपनी सबकी समझ भी होती है कि इस समय पार्टीवाद राजनीति किसी तरह की विश्व नहीं आनी चाहिए। इस समय सबसे पहले देश है, देश बचा लो, राजनीति भैया विपक्ष पक्ष कोई भी हो जिंदगी भर करते रहिएगा। ठीक जी, आप बताइए शबाना जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो जितने भी सुझाव दिए गए हैं, जितने भी प्रयास किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो राजनीति की शक्ल आखिर क्यों ले लेते हैं? क्यों जो मंशा है आपकी, अगर वाकई आप मदद करना चाहते हैं, सरकार को सहयोग देना चाहते हैं, तो क्यों नहीं समझ पा रही उसे सरकार? देखिए, जब हमने ईमानदारी से मदद करने की कोशिश की, बसें वहां लाकर खड़ी करी, तब आपको हास्यप्रद लगा, आपको झूठा लगा, आप में उसमें सारी चीजें फर्जी नजर आई। अब राहुल जी अगर मदद करने के लिए, एक अच्छा संदेश देने के लिए कि हम सबको पहल करनी है, लोगों की जो मुश्किल में है, जो श्रमिक मजदूर प्रवासी मुश्किल में है, उनकी मदद करनी है, तब भी आपको हास्यप्रद लग रहा है, तो हम तो जो करेंगे आपको हंसी वाला पार्ट। 5 दिन पहले कहाँ थे मुझे इतना तो बता दीजिए। देश की सरकार तो पहले दिन से काम कर रही है ना, देश की सरकार तो पहले दिन से काम कर रही है ना। आपके नेता 5 दिन पहले कहाँ थे? केवल राजनीति की जब बारी आई तो वो निकल कर बाहर आ गए। आप मजदूरों का सोचिए, इस समय फिर वही बात कर रहे हैं। आपने जनता के बारे में सोचा था कि आपको लॉकडाउन करने के बाद समय देना चाहिए था कि 4 दिन के बाद आपको 4 दिन तो ना अपने पैर पर सार ले पूरी तरह और इस देश को अपने गर्त में ले ले, और उसके बाद हम सोचेंगे हाँ अब लॉकडाउन कर देते हैं। यही कह रहे हैं ना, आपने अमेरिका देखा, जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है विनोद जी, सवाल नियंत्रण है कि जनता परेशान है, लोग अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि बसें लाकर खड़ी कर देती है और मदद करने का भरोसा देती है और परमिशन मांगती है उन बसों को लेकर, क्या लगता है कि दोनों ही खेमों की राजनीति जनता पर भारी पड़ती है? एक दूसरे से आगे ना निकलने देने की होड़ जो है वो जनता पर, देश के लोगों पर भारी पड़ती है? बिल्कुल भारी पड़ रही है। अब देखिए, बस वाले मुद्दे पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा मीडिया देख रहा था, पूरा देश देख रहा था कि प्रियंका जी ने ये पहल की थी, उन्होंने बसों की व्यवस्था की, कहां से की, कैसे की, जबरदस्ती की, जैसे भी की जी। उन्होंने 1000 बसों की बात कही थी, उसमें 200-250 चीजें मैच नहीं कर रही थी, लेकिन 700-800 बसें अगर उनके पास थी तो वहां से उनको परमिट करना चाहिए था और एक एफिडेविट उनसे लेते कि भाई आप जो बसें भेज रहे हैं इनमें जो सवारियां बैठी हुई हैं, बसें ठीक है या नहीं है, वो गंतव्य तक ठीक से पहुंचे और आपकी जिम्मेदारी होगी। तो जो टेक्निकलिटी में जाया गया उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उनको आने जाना चाहिए था परमिट करके, क्योंकि जनता की समस्या का समाधान करना चाहिए था। जो सड़क पर मजदूर थे उनकी समस्या देखी जानी चाहिए थी। पक्ष डरते हैं एक दूसरे से ना, बिल्कुल यही बात है। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा इस राउंड वीडियो वाले मुद्दे पर, उन्होंने अपने ढंग से जो उन्हें ठीक प्रयास किया, बहुत अच्छा काम किया, हम अप्रिशिएट करते हैं इसे। लेकिन राहुल जी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, इसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कद बहुत बड़ा है, उन्हें खुद वीडियो बना के उसे अपलोड कराने की क्या जरूरत थी? वो यदि नेशनल मीडिया को बुलाते तो सारी चीजें वो चल रही होती, चैनल्स पर चल रही होती, अखबारों में आती, लेकिन जो उन्होंने खुद वीडियो बनाया, इससे खराब मैसेज गया, गलत मैसेज गया, और वो चीज उनके पद के अनुरूप नहीं है, उनका जो कद है उसके अनुरूप नहीं है। तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो,
मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो ऐसी चीज है जिनसे दूसरे दलों को बोलने का मौका मिलता है वो कम मत करिए, सदा सहित आके साथ में करिए, जो कुछ करने में सक्षम है वो करिए, लेकिन उसके पीछे मंशा राजनीति की न रहे। और इस तरह के जो आप काम करते हैं उससे निकल के यही आता है ये राजनीति वही है और इसका मैसेज खराब है कि इन मुद्दों को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ना देखा जाए। और इसी के साथ मैं इस चर्चा का अंत भी करना चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी आप हमारे साथ जुड़े, विनोद जी, शबाना जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो के पीछे मंशा चाहे राहुल गांधी की, कांग्रेस की, कुछ भी रही हो, लेकिन अच्छा ये होता कि शायद इन मजदूरों के जैसे और भी लोग सड़कों पर मौजूद हैं, उनकी मदद हो पाती और शायद वो अपने घर इतनी ही आसानी से जा पाते तो शायद ये देश सभी को शुक्रिया कहता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जनसत्य न्यूज़ के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।